आज तो मेरी जो बैठकें थी वो तीन विषयों को लेकर थी। एक तो हमारे जो प्राइवेट शुगर मिल्स हैं उनके गन्ने के जो बकाया है उसके भुगतान को लेकर एक बैठक थी, और सरकार ने जैसे आपको जानकारी है फैसला किया हुआ है कि सरकार 16 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्सिडी एक तरह से किसानों को डायरेक्ट दे रही है, जिससे किसानों को एक राशि पहुंच जाए तो उसके काम पर उसकी तेज़ी से उसको इम्प्लीमेंट करें, इसके लिए एक बैठक हुई है। उसके बाद अभी जो हमारी फसल आने वाली है 1 अक्टूबर से खरीद के लिए, तो धान कपास बाजरा मक्का थोड़ी मात्रा में अगर मूंग भी आता है तो इस समय जो खरीफ की फसलें आने वाली हैं उसके प्रोक्योरमेंट का मैकेनिज्म, उसकी तैनाती, उसकी 1 अक्टूबर से शुरुआत, इस सारे विषय पर डिटेल चर्चा हुई है। और बाजरे के बारे में जो किसानों को हमने एक मेरी फसल मेरे ब्यौरा, जो स्मार्टफोन के माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से जो एक जानकारी देने का निवेदन किया है, सिस्टम से काम करना और सिस्टम से किसान की बेहतरी के लिए काम करना ये हमारा दायित्व है। और विपक्ष तो निंदा करने के सिवा और कोई काम उनके पास आजकल है नहीं, इसलिए कोई भी स्टेप उठाएंगे तो निंदा करना एक स्वाभाविक है, लेकिन किसान भाई इसको समझ रहे हैं और एक बड़ा आंकड़ा जो है उसका हमारे पास आ गया है। और मुझे लगता है कि जो भी संभावित आंकड़ा है वो कल रात तक सारा का सारा किसानों का, बाजरा किसान का पूरा हो जाएगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं।